हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है आपको एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, अभी हम पाइथन देख रहे हैं, तो देखिएगा पाइथन की प्लेलिस्ट में काफ़ी लेक्चर आ चुके हैं, लगभग 50 लेक्चर से भी ज़्यादा यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया तो यहाँ से आप कर लीजिएगा बुकमार्क, जिससे कि आपको इजीली यहाँ से टूल बार में आ जाए, एक्सेस हो सके। तो दोस्तों, लास्ट में हमने क्या देखा था, उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नोट्स में। तो देखो, हमने क्या देखा था, रिकर्शन ट्री के बारे में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि रिकर्शन ट्री क्या होता है, प्रॉपरली मैंने इसको बताया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो रिकर्शन एंड फंक्शन बेस्ड होने वाले हैं, उन सबको हम उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको रिकर्शन के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड आज आप एक्सरसाइज कर सकें। सो करते हैं स्टार्ट, लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने नोट्स में, जहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपको मैं एक फर्स्टली बता देने वाला हूँ कि जितने भी क्वेश्चन फंक्शन के थ्रू हम करेंगे वो सब आपको रिकर्शन के थ्रू भी करने हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन रिकर्शन के थ्रू भी करने हैं, कैसे भी आपको करना है रिकर्शन के थ्रू। अगर आपसे नहीं होते हैं तो प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको ये क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि आप इनको सोल्व कर सकें एंड आपकी कोडिंग जो स्किल है वो इनहेंस हो सके, लॉजिक आपका अच्छे से बन पाए, तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इसको स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है। तो देखो, इन्होंने कहा है कि राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। देखो, टू नंबर का सम करना है, इसको हम नॉर्मल फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा, कुछ आपको ही करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं थोड़े से करके, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो देखो दोस्तों, वीएस कोड के अंदर हम चलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट में रिकर्शन के बारे में आपको बता रखा है, रिकर्शन ट्री वगैरह समझाया था, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा लास्ट के लेक्चर में जाके, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तो आई होप कि आपको ट्री तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ट्री कितना बड़ा पार्ट है, रिकर्शन कितना बड़ा पार्ट है वो उसकी आपको पता ही होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे फन, तो सॉल्यूशन 1.py के नाम से मैंने बना ली है फाइल। एंड पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। तो देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेफ यहाँ पे सम कर लूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे सम कर लिया। एंड यहाँ पे ए एंड बी मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, एंड प्रिंट क्या करूँगा, ए प्लस बी को, ठीक है, ए प्लस बी को प्रिंट कराया। एंड उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से दो वैल्यूज पास करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सम को करेंगे कॉल, और यहाँ पे सम को कॉल करेंगे एंड उसके बाद हम इंट में ले लेंगे दो वैल्यूज, या एक काम करेंगे फ्लोट में लेंगे। फ्लोट में इसलिए लेते हैं कि वैल्यूज कैसी भी हों वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद इनपुट एंड यहाँ पे एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का मैंने मैसेज दिया एंड इसी को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, एंड मैंने कॉपी किया, ओके, एंड यहाँ पे हमने किया इसको पेस्ट। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। तो अब करेंगे हम इसको एग्जीक्यूट। देखो, फर्स्ट वैल्यू मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे इतनी है एंड सेकंड वैल्यू मेरे पास ये है। अब देखो, यहाँ पे आंसर मेरा इस तरह से आ गया है। तो यही मेरा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, वो हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल। अब देखो, सर्कल का हमें एरिया निकालना है, तो इसका क्या होता है, इसका सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या होता है, 3.14 बोले तो 5r² मल्टीप्लाई बाई जो हमारे रेडियस दी होगी, वो रेडियस देखो r दी है और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको r से, तो इतना हो जाएगा, r² होता है, तो क्या होता है, 5r² ही तो होता है। तो हाँ, बस इसको हम कर लेंगे। एंड अब देखो, यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे डेफ कीवर्ड की हेल्प से एक फंक्शन बनाया जो एरिया बना ले रहा हूँ, area कर ले रहा हूँ ओनली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या, r ले लिया। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम प्रिंट कराएंगे या इसमें हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। रिटर्न हम क्या कराएंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, इस तरह से हमने कर लिया। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्टली करेंगे कॉल,
तो कॉल को किस में करेंगे? अभी हम कॉल करेंगे कैसे कि कॉल को हम प्रिंटिंग भी कराएंगे, या तो हम किसी में असाइन कर लें या उसको प्रिंटिंग करा दें। तो मैं डायरेक्टली प्रिंटिंग कराना ही अच्छा बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमसे यहाँ से रिटर्न कर रखा है। तो देखो मैं प्रिंट यूज़ करूंगा एंड उसके बाद हम करूंगे किसको, एरिया को कॉल। एरिया के अंदर हम फ्लोट के अंदर एक वैल्यू लेंगे, ओके फ्लोट के अंदर, और इनपुट करा लेंगे यहाँ पे इनपुट, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंटर दी वैल्यू। ठीक है, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी एंड इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो एग्जीक्यूट करके क्या, मान लीजिएगा मेरे पास 2 हो गया है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे 2, और 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 की यहाँ देखो 12 हो जाएगा, 12.56, हाँ क्योंकि 3.14 से मल्टीप्लाई होगी तो इतना आ जाएगा। तो देखो ये सर्कल का भी हमने कैलकुलेट कर दिया, इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम सेकंड वाले नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये तो आप कर ही लोगे, और उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि एक नंबर इवन है कि ओड भी आप इसके साथ साथ चेक कर लेना, इज इवन और ओड। ठीक है, और ओड, ओड भी चेक कर लेना, चेक कर ही लोगे आप। ठीक है, अब देखो ये प्राइम नंबर बता रखा है इन्होंने, प्राइम नंबर वाला मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि एक वैल्यू मान लीजिएगा यहाँ पे 2 है, 2 नहीं लेते चलो इसको हम 5 ले लेते हैं, मान लीजिएगा एक 5 वैल्यूज है, उसको हम चेक करेंगे किससे, 2 से लेके 4 तक, इसके इसके बीच में चेक करेंगे किसी से डिविजिबल तो नहीं है, अगर किसी से डिविजिबल है तो ये प्राइम नहीं है, अदरवाइज ये है, क्योंकि जो प्राइम होते हैं वो 1 और खुद से ही होते हैं और सेल्फ से। ठीक है, सेल्फ और 1 से, तो अब या तो 1 से तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 से तो वो ऑलरेडी होता ही है, नहीं तो फिर किससे होगा, खुद से होगा, तो हम इसके बीच की वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, अगर हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं तो वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है मान लीजिएगा हमारे पास एक इनपुट एक नंबर है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया किसके लिए, प्राइम के लिए, एंड यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया एन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली हम देखेंगे, देखो इसको रिकर्शन से भी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैंने एक वाइल लूप का मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, वाइल का हम यहाँ पे ओके वाइल का मैंने यूज किया, आई जब तक कि लेस हो किससे, एन से, एंड यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगर एन जो हमारा आई था इससे रिमाइंडर हो किससे, आई से, और इक्वल इक्वल हो 0 के, अगर इतना है तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, नोट प्राइम। ठीक है, तो अगर हम नोट प्राइम करा देंगे इसको, ओके ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, मैंने ब्रेक किया, एंड उसके बाद देखो दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली एल्स को यूज़ कर लेंगे, एल्स अगर हम एल्स को यूज़ करते हैं एंड प्रिंट कराते हैं किसको, प्राइम को, देखो प्राइम मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम प्रिंट करा दिया है। अब आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू भी तो हमें वो करनी है, तो हम आई की वैल्यू कर लेंगे यहाँ से इंक्रीज, कहाँ से, यहाँ से आई प्लस इक्वल 1 कर देंगे, एंड यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्टिंग में असाइन करनी होगी आई इक्वल टू 2। अब देखो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा अभी हमने कॉल तो की नहीं, एग्जीक्यूशन क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉल, तो यहाँ से हम प्राइम को कॉल करेंगे और इसके अंदर इनपुट ले लेंगे, एक इंट ले लिया एंड इनपुट ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो इस तरह से, एंड एग्जीक्यूशन हमने करी, मान लीजिएगा मैंने 5 किया, एग्जीक्यूट करेंगे, ओके अभी क्या आ रहा है मेरे पास, 5 में 5 ही आ रहा है। अच्छा मैंने प्रिंट करा दिया, मेरे को कॉल करनी थी, प्राइम करना था। ठीक है, अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिया और देखो मेरे पास क्या आ गया है, प्राइम आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लूंगा, यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, 4 मेरे पास नोट प्राइम आ गया है, देखो इस तरह से। या मान लीजिएगा मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार और, या मैंने 21 किया एग्जीक्यूशन की नोट प्राइम, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 23 करता हूँ एग्जीक्यूट करूंगा, देखो मेरे पास प्राइम आ गया, तो ये प्राइम का एग्जीक्यूशन हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमने प्राइम को यहाँ पे यूज कर लिया है। बट आपको एक ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अगर हम एग्जीक्यूशन करते हैं इस तरह से, एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने -3 यूज कर लिया, तो देखो यहाँ पे भी ये इसको ही प्राइम दिखा रहा है, बट हमको पॉजिटिव में चेक करना था। तो यहाँ पे अगर हम एल्स का इस तरह से अगर हम यूज करते हैं तो इसकी क्या होगा, हमारी नेगेटिव वाले को ही बताएगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम कंडीशन चेक कर लेंगे आई के ऊपर ही। ठीक है, आई अगर मतलब अलग से कंडीशन लगा देंगे एल्स को यूज ना करके, आई के ऊपर चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अगर हमारा बीच में ही नोट प्राइम होगा तो ये कम चलेगा, अगर हमारा प्राइम होगा तो ये पूरा चलेगा। ठीक है, तो आई की कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर एन के इक्वल है तो प्राइम है, अदरवाइज नहीं है, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो देखो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पर ही प्रॉब्लम है तो मैंने आपसे बताया, सोशल मीडिया के थ्रू आप हमसे मिलो या कमेंट कीजिएगा, हम आपको जितनी आपकी प्रॉब्लम होगी उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए, अब नीचे के जितने भी हैं उनको आपको खुद से सोल्व करना है, कहीं प्रॉब्लम आती है आप आइए डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। एंड मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि रिकर्शन के थ्रू जरूर करने हैं,
और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको लगता है कि हमको और क्वेश्चन करने की नीड है, तो भी आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मिलिएगा, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको सही लगे होंगे जिस तरह से मैंने करा दिए हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है, आप करिएगा इनको, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड सर्कल में भी, एंड लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।